धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अक्रम रईस खान। धाकड़ खबर, बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं हूं अक्रम, मेरे साथ हैं डॉक्टर अब्दुल सलाम सिद्दीकी। आज हम बात करेंगे, पिछले कई दिनों से आप लोग खबर में देख रहे हैं कि बंगाल से कुछ खबरें आ रही कि वहां पर सांप्रदायिक हिंसा भड़की हुई है और ये सांप्रदायिक हिंसा रामनवमी के जुलूस के दौरान शुरू हुई थी। इससे पहले आप अगर आप दो चार दिन पीछे जाएं तो हिंदू नववर्ष के मौके पर कैबिनेट मिनिस्टर के बेटे अश्वनी चौबे के बेटे अरिजीत चौबे ने भागलपुर में एक जुलूस निकाला था। बताया जाता है कि ये जुलूस उन्होंने बिना परमिशन के निकाला बाद में, और उस जुलूस को लेकर एक मुस्लिम मोहल्ले में गए, वहाँ कुछ आपत्तिजनक बातें की, कुछ भड़काऊ भाषण दिए, उसके बाद वहाँ हिंसा भड़क गई, कुछ लोग घायल हो गए और फिर उनकी गिरफ्तारी का भी वारंट निकला, लेकिन हालांकि अभी तक उन्होंने न सरेंडर किया और न उनकी गिरफ्तारी हुई है। अब इसके बाद रामनवमी के मौके पर बंगाल में ये चीज़ें देखने को मिल रही, कई जगह हिंसा भड़की है, वहाँ पर बताया जा रहा है कि दो लोगों की उसमें मौत हो चुकी है और एक IAS ऑफिसर को अपना हाथ गंवाना पड़ा है इस हिंसा में। और अब इसकी आँच औरंगाबाद सुनने में मिल रहा है कि बिहार के औरंगाबाद और समस्तीपुर में भी देखने को मिल रही है। पूरा मामला क्या है बताएंगे हमारे न्यूज़ एडिटर डॉक्टर अब्दुल सलाम सिद्दीकी। डॉक्टर साहब, आप पूरा मामला बताइए, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और अभी फ़िलहाल हालात कैसे हैं? देखिए, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसकी शुरुआत अगर देखा जाए हाल में तो इसकी शुरुआत होती है भागलपुर से। अच्छा, भागलपुर में केंद्रीय मंत्री अश्वनी कुमार चौबे का बेटा अरिजीत शाश्वत द्वारा एक जुलूस की क़यादत की गई, उस जुलूस की जिसकी परमिशन नहीं थी, उन्होंने बिला इजाज़त प्रशासन के जो है मोटरसाइकिल जुलूस निकाला और वो जबरदस्ती उस जुलूस को मुस्लिम इलाकों में ले गए। वहाँ पर उन्होंने भड़काऊ भाषण दिए और आपत्तिजनक नारेबाजी की, जिससे एक विशेष तबके का जो है उसमें इश्तियाल पैदा हो गया और फिर पथरावबाजी शुरू हुई। और ये देखिए कि उसमें जो है उनके ख़िलाफ़ मुकदमा भी दर्ज हुआ, वारंट गिरफ्तारी भी जारी हो चुके हैं, और लेकिन अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो इसकी शुरुआत वहाँ से होती है। लेकिन सबसे पहले मेरा सवाल जो आपसे है, जो देखने को मिला है कि जब जुलूस निकलता है वो एक वर्ग विशेष के मोहल्ले में ज़रूर जाता है, अगर आप कासगंज वाला मुद्दा देखें या फिलहाल ये आम मुद्दा देखें, ये जुलूस निकाल कर उस जगह जाते हैं जहाँ से इन्हें पता कि हो सकता है कि कुछ उपद्रव हो जाए, कुछ हिंसा हो जाए। अभी भी जहाँ से दंगे की खबर आ रही है, बंगाल में दुर्गापुर, आसनसोल, रानीगंज, बर्दवान, मुर्शिदाबाद, ठीक है, उसके अलावा जो है आप बिहार में आ जाइए, औरंगाबाद, समस्तीपुर, ये जहाँ भी दंगे हो रहे हैं अभी तक तनाव जारी है। भागलपुर में भी बताया जाता है अभी तक सन्नाटा है, जबकि एक हफ्ते से ज़्यादा हो चुके हैं उस वारदात को, उस वाक़े को। और अभी आज ये क्या कहते हैं, औरंगाबाद जो है वहाँ आज भी तनाव है, समस्तीपुर में तनाव है। आप देखेंगे समस्तीपुर में जो है एक जुलूस को, रामनवमी के जुलूस को ज़बरदस्ती मुस्लिम बाज़ारों में ले गया, वहाँ के जामे मस्जिद में जो है भगवा झंडा लहरा दिया, वहाँ के मदरसे में एक तोड़फोड़ और आतिशजनी की गई। वो बोल रहे हैं तो, कि वहाँ पर पहले उनके पर एक चप्पल आई थी, कुछ ऐसी बात। वो तो खैर बहाना है, हालांकि वो विवाद भी ख़त्म हो गया था, वो वहीं पर वो चप्पल की जो बात आ रही है कि जब जुलूस उस जगह पहुँचा तो किसी ने जो है ऊपर से किसी बच्चे की चप्पल गिर गई, और प्रशासन के मुताबिक यह है कि वो विवाद सुलझ गया था। उसके बाद उन लोगों ने बाकायदा वहाँ यानी प्लानिंग के तहत जो है मदरसों में आग आतिशजनी की, तोड़फोड़ की, मस्जिद में तोड़फोड़ की, मुसलमानों की दुकानों को जलाया, ठीक है, और ये तनाव अभी भी जारी है वहाँ पे। ये समस्तीपुर की बात है, इसी तरह औरंगाबाद में भी हुआ, वहाँ भी इसी तरह जुलूस के ज़रिए जब वो यानी मुस्लिम इलाकों में ले जाकर जो है उनके ख़िलाफ़ जो है क्या आपत्तिजनक नारेबाजी की और उनको यानी मुसलमानों को उकसाने की कोशिश की, जिसकी वजह से वहाँ दंगे भड़क गए और अभी भी वहाँ के हालात अच्छे नहीं हैं। अच्छा, अब हम आते हैं पश्चिम बंगाल पर। पश्चिम बंगाल में पहले लेफ्ट की सरकार रही 25 साल, कभी कोई दंगा इतना खास सुनने को नहीं मिला। ममता बनर्जी की जब से सरकार आई है, अगर आप पिछले साल का दंगा छोड़ दें तो कोई दंगा नहीं आया, लेकिन हाल फिलहाल में जैसे जैसे 2019 नज़दीक आता जा रहा है कई स्टेट गरमा रहे हैं। और पहले देखा जाता था 2014 के से पहले कि जब दंगे होते थे तो कुछ संगठन, जैसे मैं नाम लेना चाहूँगा विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, RSS का नाम आता है, लेकिन अब सीधा सीधा BJP भी का भी इसमें नाम आता है। इन दोनों सवालों को आप मुझे पहले बताइए। मीडिया जो है, मीडिया रिपोर्ट से ये भी पता चल रहा है कि अब BJP के पास जो है
इसके पास चुनाव जीतने के लिए अब कोई मुद्दा नहीं है सिवाय इसके कि ये जो है फिरकावाराना माहौल जो है गर्म हो और वोटों का पोलराइजेशन हो, जो है हिंदू जो है एक तरफ हो और वो वोट करे। और इसी हालांकि आप देखिए कि यूपी में रामनवमी के जुलूस में कोई दंगा नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ, जबकि पूरे उत्तर पूरे भारत में अगर देखा जाए हिंदू मुस्लिम जो है सेंसेटिव के एतबार से तो सबसे ज़्यादा जो है हसास सूबा जो है वो उत्तर प्रदेश है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं हुआ। दंगे कहाँ हुए? बंगाल में हुए, बंगाल में और बिहार में हुए, बिहार में हुए। जबकि बंगाल की तारीख ये है कि बंगाल में 25 साल जो है वहाँ ज्योति बसु की सरकार रही, मार्क्सी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार रही, उस 25 साल में कोई दंगा नहीं हुआ। और उसके बाद ममता बनर्जी के दौर में भी जो है, जब ममता बनर्जी को भी यानी चार साल हो गए, वहाँ भी कोई दंगा नहीं हुआ। और कुछ हुए थे छोटे मोटे, एक दो हुए हैं, लेकिन इस तरह ये जो रामनवमी के जुलूस में, रामनवमी के जुलूस में रामनवमी से पहले ही जो है वहाँ आपस में तनातनी भी चल रही थी, वहाँ जो ममता बनर्जी और बीजेपी के दरमियान जो है रामनवमी में लेकर के जुलूस निकालने को लेकर के जो है बहस चल रही थी कि वो रामनवमी, उन्होंने पहले कहा था ममता बनर्जी ने कि हथियार लेकर के रामनवमी में कोई जुलूस में कोई नहीं जाएगा, लेकिन जो है अब वो उन्होंने उसके खिलाफ वर्ज की, ठीक है उस उन्होंने मतलब बाकायदा वो हथियार और जोश खरोश के साथ हथियारों को लेकर के और यानी माहौल को मुकद्दर करने के लिए जो है जुलूस निकाला, जिससे वहाँ तनाव पैदा हुआ। और देखिए दुर्गापुर में बताया जाता है कि वहाँ के DCP हैं अरिंदम दत्ता, बताया कि वह दंगे के दौरान जो है उन पर किसी ने बम फेंका, उसमें जो है उसके उसका एक हाथ पूरा जो है यानी घायल हो गया। आखिर क्या कारण है इन दंगाइयों के, इतने हौसले बुलंद क्यों हैं? लॉ एंड ऑर्डर का डर इन्हें बिल्कुल भी खौफ नहीं, पुलिस से बिल्कुल नहीं डर रहे हैं, प्रशासन की किसी तरह से कोई डर नहीं है? दंगाइयों में खौफ इसलिए नहीं है कि उन दंगाइयों को संरक्षण मिलता है असल में। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मतलब जिनका अपना वोट है, जिनका अपना मफाद है उसमें, वो संरक्षण देते हैं। आपने देखा होगा ये अश्विनी कुमार चौबे जो केंद्रीय सेहत और परिवार कल्याण मंत्री हैं, जब उनके बेटे के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ तो उसने क्या बयान दिया, क्या ऐसी FIR को रद्दी की टोकरी में डाल देना चाहिए? देखिए हाँ हाँ बिल्कुल, हमने उस पर रात कवर की थी। वो मंत्री हैं और वो देखिए लॉ एंड ऑर्डर के लिए जो है किस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, और अपने यानी बेटे के को उसको सरेंडर करने के बजाय, ठीक है, उसको जो है यानी शह दे रहे हैं, उसको यानी अपने रसूख का फ़ायदा उठा रहे हैं, रसूख का फ़ायदा उठा रहे हैं। अच्छा एक अब आइए बिहार में, बंगाल की बात हो गई, बिहार में भी 1987 में जो भागलपुर का दंगा हुआ था उसके बाद से वहाँ भी कोई बड़ा दंगा नहीं हुआ, लालू के राज में कभी दंगा नहीं हुआ। अभी नीतीश कुमार और बीजेपी के इससे पहले भी सरकार थी, उसमें दंगा नहीं हुआ, लेकिन आज क्यों दंगे हो रहे हैं? यानी ये 2018 में क्यों दंगे हो रहे हैं? तो इसका कारण कहीं सीधा सीधा 2019 तो नहीं है ना? बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है अगर आप देखें, मतलब 2013 से 2014 से पहले 2013 मुजफ्फरनगर हुआ था, क्या है उसी की तर्ज पर है? देखिए अभी उसका मुकाबला तो नहीं किया जा सकता है, मुजफ्फरनगर का को इससे मुकाबला नहीं किया जा सकता है, लेकिन हाँ ये यानी अब बीजेपी को लग रही है, बीजेपी को लग रहा है कि यानी 2019 जीतने के लिए जो है वो क्या कहते हैं वो छटपटा रही है कि क्या करें, कौन सा मुद्दा जो है कौन सा वो करें, और उनके लिए सबसे आसान जो है वो धार्मिक भावनाओं को भड़काने का मुद्दा रहता है। तो डॉक्टर साहब का कहना है कि अब जो इन दंगों में नाम सीधा सीधा बीजेपी का आता है उसका कहीं ना कहीं कारण वोटों का पोलराइजेशन कर खुद के लिए अपनी जीत की नींव तैयार करना है, क्योंकि 2019 सामने है और पब्लिक के बीच जाने का कोई उनके पास ऐसा मुद्दा नहीं है जिससे वो पब्लिक के बीच जाकर कह सके हमने ये काम किया है। नोटबंदी से कमर टूटी, बची कुछ ही कसर जस्टी ने पूरी कर दी, उसके बाद आज काम धंधे की क्या हालत है, हम सभी इससे वाकिफ़ हैं, किसी को बताने की कुछ ज़रूरत है नहीं, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी बहुत सारी जगह चुनाव जीत रही है, तो वो कहीं ना कहीं जो उसे फ़ायदा होता है वोट पोलराइजेशन करने का, ऐसा हमारे डॉक्टर साहब का कहना है। अब आने वाले दिनों में इसका क्या परिणाम देखने को मिलेगा पश्चिम बंगाल में? अभी पश्चिम बंगाल की स्थिति जो है उनके कई शहरों में तनाव की स्थिति बनी हुई है, आगे इसमें कोई भी अपडेट आएगा या किस तरह की स्थिति बनी रहेगी अब हम आप लोगों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए दीजिए हमें इजाज़त, और अगर खबर अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करना
और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।